राजवीर के रोके के सारे रिचुअल्स करण ने खुद अपने हाथों से किए। करण और प्रीता एक दूसरे के सामने ना आए इसलिए मैंने रोके की रस्में शुरू होने से पहले ही प्रीता को एक रूम में लॉक कर दिया था। फिर जब पंडित जी ने कहा कि राजवीर की माँ को बुलाया जाए, रोके के रिचुअल्स करने हैं, तो समझ नहीं आ रहा उनकी जो लैंड लेडी है जिसके घर पे राजवीर रेंट पे रहता है, उन्होंने झूठ क्यों बोला। उन्होंने कहा कि प्रीता अपनी बहन को मिलने हॉस्पिटल गई है, जबकि प्रीता तो वो रूम में लॉक थी। उसके बाद करण ने राजवीर से परमिशन मांगी कि वो डैड के सारे फर्ज निभाना चाहता है और रोके के सारे रिचुअल्स वो खुद करना चाहता है, और राजवीर ने परमिशन दे भी दी। और फिर उसके बाद सारे रिचुअल्स करण ने खुद अपने हाथों से किए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जो भी हुआ मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर प्रीता वहां आ जाती तो करण को पता चल जाता कि प्रीता ही राजवीर की माँ है, और मेरी लाइफ तो कंप्लीटली खत्म हो जाती। लेकिन शौर्य के लिए ये सब बहुत ज्यादा पेनफुल था। शौर्य कुछ भी करके राजवीर को अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहता है। आज तो वो राजवीर को ड्रग्स के केस में फंसाना चाहता था। और अब राजवीर शौर्य का रोका अटेंड करने के लिए यहाँ आ गया है, उसे करण ने बुलाया है। ये बात जब शौर्य को पता चलेगी शौर्य तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। आई रियली डोंट नो कि शौर्य अब क्या करेगा, क्या बवाल मचाएगा। बेब्स देख, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और ये जो कुछ भी हुआ है ना तेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। प्लीज ये करण प्रीता को देख लेगा, शौर्य राजवीर का झगड़ा, राखी माँ, और ये घर के झमेले से बाहर निकल। बेब्स बाहर निकल मतलब? देख, एक मर्द औरत को सबसे पहले पसंद करता है अपनी आंखों से। जस्ट लुक एट यू, वो तो बस बिजी है। एक चिमा आदर्श बहू बनने में इतनी बिजी हो गई हो, तुमने अपना ध्यान रखना ही बंद कर दिया है। प्लीज प्लीज डोंट डू दैट, भी थोड़ा स्टाइल मारो, लटके झटके दिखाओ, ताकि करण ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खींच चला है। मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है औरत की खूबसूरती। ये जो कहते हैं ना कि उसके दिल का रास्ता उसकी पीठ से होकर गुजरता है, ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। अपने ऊपर ध्यान दे, इतनी अच्छे से सजो कि करण तुम पर से अपनी नजर टाल ही ना पाए। समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ? You are absolutely right. मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने शौर्य की माँ बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली थी, इस घर की बहू क्यों बनना चाहती थी। मैं तो खुद को भूल ही गई थी। थैंक्स यार रो, मुझे सब कुछ याद दिलाने के लिए। You're most welcome. दीनी धी लूथरा।